नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको अगर आपकी सुजुकी एक्सेस बीच बीच में बंद होती है तो वो कैसे ठीक करना है वो दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो आगे देखने से पहले आपको तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला चीज़, आपको आपका कार्बोरेटर क्लीन करना पड़ेगा। दूसरी, आपको आपका एयर फिल्टर जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो आपका इंजन ऑयल आपको चेंज करना पड़ेगा इंजन ऑयल फिल्टर के साथ। तो ये तीनों चीज़ करने के बाद आप ये वीडियो आगे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा ये वैक्यूम पाइप्स जो रहते हैं वो ठीक ठाक कनेक्टेड है या नहीं। तो इधर चार वैक्यूम पाइप्स रहते हैं, तो ये है पहला वाला वैक्यूम पाइप, इसको देखो इधर कनेक्टेड रहते हैं। तो ये वाला आपका ठीक से कनेक्टेड है तो आप देख लीजिएगा। तो ये है एक कनेक्शन। बाद में ये पाइप जो है वैक्यूम का वो जाता है इधर अंदर से और कनेक्टेड रहता है इधर। तो इधर आपका पाइप ये ठीक से कनेक्टेड है तो आपको देखना पड़ेगा, अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। इधर देख सकते हैं आप, तो इसको मैं वापस कनेक्ट कर दूंगा। तो इसको आप ठीक से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया एक पाइप। मैं बढ़ूंगा दूसरे पाइप के पास। तो ये दूसरा पाइप जो है वो इधर ही कनेक्टेड रहता है इस पाइप के साइड में। तो ये आपका ठीक से कनेक्टेड है तो आप देख लीजिएगा, अगर कनेक्टेड नहीं है तो इसको भी ठीक से कनेक्ट कर दीजिए। और ये पाइप इधर से जाता है इस साइड से, देखिए, और इधर से आके कनेक्ट होता है फ्यूल डायफ्राम को। तो ये है आपका फ्यूल डायफ्राम। तो इधर ये कनेक्टेड रहता है, तो ये आपका ठीक से कनेक्टेड है तो देख लीजिएगा, ठीक से कनेक्टेड नहीं है तो अच्छी तरह से कनेक्ट कीजिएगा। बाद में एक पाइप इधर फ्यूल डायफ्राम से जाके सीधा कनेक्ट होता है कार्बोरेटर को, इसमें से फ्यूल आता है, ये वैक्यूम का पाइप नहीं है। तो ये फ्यूल सप्लाई है कार्बोरेटर को। ये पाइप जो है वो एयर फिल्टर को कनेक्टेड रहता है तो ये देखिएगा अच्छी तरह से कनेक्टेड है या नहीं। और मेरे पाइप जो है वो जाता है और कनेक्ट होता है इधर इंजन ब्लॉक को। तो इधर आप देख सकते हैं ये पाइप आपका अच्छी तरह से कनेक्टेड है या नहीं, वो देख लीजिएगा। और लास्ट में ये पाइप जो है वो एयर फिल्टर से आके इधर एक कनेक्ट होता है, तो इसको भी आप ठीक से देख लीजिएगा। अगर ये आपका ठीक से कनेक्टेड नहीं है तो आपका आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आएगा, थोड़ा मोटा आवाज़ आएगा, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये पाइप डिस्कनेक्ट हुआ है। तो इसको ठीक से कनेक्ट कीजिएगा। तो उधर से आके एयर फिल्टर को इधर कनेक्ट हुआ रहता है कार्बोरेटर के नीचे। तो इसमें से एक भी पाइप आपका ठीक से कनेक्टेड नहीं था तो कनेक्ट करके देख लीजिएगा अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, नहीं तो ये वीडियो आगे देखते रहिए। और पाइप फटे हुए हैं तो अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। तो दूसरी चीज़ मैं इधर करूँगा वो स्पार्क प्लग का कनेक्शन का वायर है जो कनेक्टेड रहता है, वो उसको निकाल के थोड़ा कट करूँगा, क्योंकि कभी कभी इधर कनेक्शन ठीक से नहीं होने के कारण बाइक आपकी बंद होती है बीच बीच में। तो इधर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस वायर को स्पार्क प्लग का सॉकेट। तो ये सॉकेट कभी कभी रस्टी होके लीकेज करना चालू करता है, तो इसमें लीकेज है वो आपको मालूम पड़ेगा जब ये कनेक्ट करने के बाद भी पूरे स्पार्क्स आपको दिखाई देंगे, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया है। तो इसको आप रिप्लेस करके देख सकते हैं। मेरा सॉकेट इधर ठीक ठाक है तो मैंने वही सॉकेट वापस डाला है। तो कभी कभी इस स्पार्क प्लग के वायर में लीकेज होता है तो इसको आप इंसुलेशन टेप लेके अच्छी तरह से कवर कर दीजिएगा। तो ये सब करने के बाद फिर भी आपकी गाड़ी बंद गिर रही है तो आप अपना स्पार्क प्लग निकाल लिए और देखिए अगर आपका स्पार्क प्लग ऐसा होता है तो इस पर देखिए कितना कार्बन है वो। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी भी चालू किया तो आपका स्पार्क प्लग अगर ऐसा होता है तो देख लीजिएगा। स्पार्क प्लग कैसे निकालते हैं वो वीडियो का लिंक मैं इधर डाल दूंगा, आप उधर जाके वो स्पार्क प्लग कैसे निकालते हैं वो देख सकते हैं।
अगर आपके स्पार्क प्लग पे ऐसा कार्बन आता है तो इसका रीज़न है कि आपके इंजन में ज़्यादा फ्यूल पहुंच रहा है, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा आपका फ्यूल डायफ्राम। तो ये है फ्यूल डायफ्राम और इधर कनेक्ट होता है फ्यूल जो टैंक में से आता है और इधर है आउट और ये है वैक्यूम पाइप का कनेक्शन। तो इसको अब मैं खोल के आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम रहता है इसके अंदर। तो ये खोलने के बाद इसमें एक स्प्रिंग रहता है और ये है डायफ्राम और इधर आप देख सकते हैं कि मेरा डायफ्राम जो है वो फटा हुआ है और इस वजह से वो वैक्यूम ठीक से नहीं हो पा रहा था और फ्यूल ज़्यादा जा रहा था कार्बोरेटर में। तो ये एक रीज़न है आपकी गाड़ी स्लो किया तो बंद होने का। डायफ्राम अगर ज़्यादा फटा होगा तो आपकी गाड़ी चालू ही नहीं होगी। तो ये डायफ्राम चेंज करने के लिए आपको पूरा पार्ट ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ये सिर्फ ये रबर का डायफ्राम नहीं आता है। तो ये पूरा पार्ट आपको 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये है मेरा नया डायफ्राम। तो इधर आप देख सकते हैं सब कनेक्शन सेम है लेकिन इसमें एक चेंज है, इसमें ये फ्लोट नहीं है। तो पुराने वाले में फ्लोट आता था तो ये नए पार्ट में फ्लोट नहीं है, लेकिन आप ये ओल्ड मॉडल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं आपको बोलने को भूल गया कि ये डायफ्राम निकालने से पहले आपको आपकी पेट्रोल की टंकी एम्प्टी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये डायफ्राम निकालने से आपका पूरा पेट्रोल जो है वो बाहर आएगा और आप इसे कैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इधर मैं पहले कनेक्ट करूँगा फ्यूल का कनेक्शन जो टंकी से आता है वो। मेरा टैंक जो है फ्यूल टैंक एम्प्टी है इसीलिए कोई पेट्रोल बाहर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इधर आराम से कनेक्शन दे सकता हूँ डायफ्राम को। तो ये चीज़ आप भूल मत जाएगा। तो इधर मैंने फ्यूल का पाइप कनेक्ट कर दिया है, इधर आप देख सकते हैं इधर हाथ डालने को बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आपका टंकी खाली है तो बहुत ही अच्छा पड़ता है, नहीं तो एक बार ये डायफ्राम निकाला तो ये पाइप का फ्लो स्टॉप करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ये डायफ्राम को अभी मैं पोजिशन में रखूँगा और ये इसको एक स्क्रू रहता है तो इसको ऐसे पोजिशन में डालने के बाद आपको इधर स्क्रू डालना पड़ेगा। तो हो होने के बाद आपको कार्बोरेटर से फ्यूल का कनेक्शन इस डायफ्राम को देना है और बाद में इस वैक्यूम का पाइप को आपको कनेक्शन देना है। एक कनेक्शन जो रह जाता है उधर आपको ये वैक्यूम का कनेक्शन दे देना है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपकी गाड़ी ठीक होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आप ये वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिला है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा और बेल आइकन का दबाइएगा मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। तब तक आपका ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।